दोस्तों जब से एओसी मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई है ना, तभी से बहुत सारे लोगों के लगातार डाउट्स बन रहे हैं। काफी सारे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार सारे काम बाद में होंगे, पहले एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाकर आप सभी के डाउट क्लियर किए जाए। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अंदर मेटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, फायरमैन, एमटीएस, ट्रेडमैन, मैट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। आपको इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वैसे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जितने भी आपके मेजर डाउट्स बन रहे थे ना, वो सभी मैंने नोट डाउन कर लिया, आगे इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। जैसे कि काफी सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया एग्जाम डेट के बारे में बताइए, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। इसका एग्जाम बहुत ही जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भैया एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। काफी सारे लोग सैलरी को लेकर पूछ रहे हैं कि भैया एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी होती है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सैलरी कितनी होती है, तो डिटेल से सैलरी के बारे में जानकारी आपको दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर की काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी सारे लोग दोस्तों जॉब प्रोफाइल के बारे में डाउट पूछ रहे हैं, कुछ लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जॉब लोकेशन के बारे में डाउट आ रहे हैं कि जॉब लोकेशन हमारी क्या रहेगी। एग्जाम सिलेबस, काफी सारे लोग बेस्ट बुक के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया बेस्ट बुक्स के बारे में बता दीजिए, ताकि हम घर बैठे ही इस एग्जाम के लिए अच्छी खासी तैयारी शुरू कर सके। तो और भी आपकी काफी सारे डाउट्स हैं, जो कि आगे इस वीडियो में वन बाय वन क्लियर करता चलूंगा। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, आपका भी कोई डाउट बन रहा है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जो कि इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 723 वैकेंसीज आई हुई है। ऑनलाइन फॉर्म 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रखे हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम डेट, कि भैया एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, ट्रेडमैन, मेट या फिर फायरमैन की पोस्ट के ऊपर फिजिकल टेस्ट कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा 2 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट 22 दिसंबर है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको केवल 20 दिन दिए जा रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब यह है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है, जल्दी आपका फिजिकल टेस्ट और एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। लास्ट ईयर 23 फरवरी में जब ये वैकेंसी निकली थी ना फायरमैन ट्रेनमैन की पोस्ट के ऊपर, 20 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट थी, और इसका फाइनल रिजल्ट जो जारी हो गया था ना, वो 7 जून को हो गया था। तो आप देख सकते हैं 5 महीने के अंदर ही सिलेक्शन प्रोसीजर इसका निपटा लिया गया था। उससे पहले 15 नवंबर 2022 मेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट की फॉर्म की लास्ट डेट थी, और इसका जो एग्जाम था वो दिसंबर में कंडक्ट करा के 16 फरवरी को रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट चलता है। इस बार अगर हम बात करें फायरमैन एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, जो फिजिकल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो फरवरी महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद मार्च महीने के अंदर फायरमैन और ट्रेड्समैन मैट की पोस्ट के ऊपर एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, और उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल या फिर मई मंथ के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सभी पोस्ट का। अब जैसे कि एमटीएस की पोस्ट है, साथ ही मेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोनों पोस्ट का एग्जाम जो है ना, वो आपका फरवरी मंथ में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की स्टेज फर्स्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट है, तो वो भी आपका फरवरी मंथ में हो जाएगा। तो भाई सभी पोस्ट का जो स्टेज फर्स्ट है, फिर चाहे आपका फिजिकल हो या फिर एग्जाम हो या फिर स्किल टेस्ट हो, वो आपका फरवरी महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा, और अप्रैल मई तक आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो भाई वेट मत करिए कि यार तैयारी कर देंगे शुरू, ऐसा गलती मत करिए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भैया मैं एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, तो क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो, फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है हर एक पोस्ट का, वो अलग अलग आपका चलने वाला है, एग्जाम भी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इनिशियल इनहैंड सैलरी भैया क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी पोस्ट आपकी इसमें मेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपकी 60,000 रहेगी। एमटीएस की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर 34,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। फायरमैन की पोस्ट के ऊपर 36,000 शुरुआती सैलरी रहेगी। साथ ही ट्रेडमैन मैट की पोस्ट के ऊपर 34,000 शुरुआती सैलरी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 40,000 शुरुआती सैलरी आपकी है। 10वीं-12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफी बढ़िया पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है, तो मिस मत करिएगा इस वैकेंसी को। तो सैलरी से रिलेटेड आपका डाउट
क्लियर हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जो कि आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। लो भाई स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा सभी पोस्ट का, 10th लेवल की भी, 12th लेवल की भी और ग्रेजुएट लेवल की, तीनों ही पोस्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूं। ये एक तरीके से मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है। जिस टाइप का प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक सैंपल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनसे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी लेवल के पोस्ट में किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई तीनों अलग अलग पोस्ट कैटेगरी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सैंपल पेपर कह लीजिए या फिर मॉडल पेपर कह लीजिए वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, जो कि है जॉब प्रोफाइल को लेकर। कभी काम क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को तो अभी तक एओसी का ही नहीं पता, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है क्या। देखिए दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर एक इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है जो कि इंडियन आर्मी की हेल्प करती है। देखिए दोस्तों, जब वार की सिचुएशन होती है यानी कि कोई लड़ाई लड़ रही है इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं एओसी, यानी कि गोला बारूद अवेलेबल कराना या फिर खाने पीने की चीजें वगैरह अवेलेबल कराना, सारी चीजें प्रोवाइड कराने का काम होता है एओसी का, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का, क्लियर है। इसमें सिलेक्शन होने के बाद प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म मिलते हैं, लेकिन यहां पर आपकी मोस्टली पोस्ट क्लेरिकल है, जैसे कि एमटीएस की पोस्ट में भी आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। बस जो फील्ड की पोस्ट है वो आपकी फायरमैन और ट्रेडमैन मैट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के ऊपर आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलती है, क्लियर है दोस्तों। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होगा। मेटल असिस्टेंट की भी एक क्लेरिकल पोस्ट है, बाकी आपकी फील्ड की पोस्ट है फायरमैन और ट्रेडमैन की पोस्ट, क्लियर है। बात करते हैं नंबर पांच के बारे में, जो कि प्रीवियस कट ऑफ से रिलेटेड डाउट आ रहा है कि भैया पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ तो रिवील नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दूं। इस बार आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, एवरेज नंबर की मैं बात कर रहा हूं, हर एक पोस्ट को अगर हम कंबाइंड करें, हर एक पोस्ट का जो एग्जाम है वो 150 नंबर का होने वाला है। तो भाई 150 नंबर में से जनरल वालों को कम से कम, फिर चाहे आपकी एमटीएस की पोस्ट हो, फायरमैन की हो, ट्रेडमैन की हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की हो, मेटेरियल असिस्टेंट की हो, कम से कम आपको 90 के आसपास तो नंबर लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ओबीसी वालों को 85 से 90 के आसपास नंबर लाने होंगे, एससी वालों को कम से कम दोस्तों यहां पर 80 नंबर तो लाने ही होंगे, एसटी कैटेगरी को कम से कम दोस्तों यहां पर 70 नंबर लाने होंगे 150 में से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भी कम से कम 85 नंबर तो लाने ही होंगे। ये मैंने आपको एक एवरेज टारगेट दिया है प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से, क्लियर है दोस्तों। तो 150 में से इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से, मैंने आपको एक थोड़ा सा रफ सा आइडिया दे दिया है। वहीं पर बात करें डाउट नंबर सिक्स के बारे में, जो कि जॉब लोकेशन को लेकर आ रहा है कि भैया जॉब लोकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन होने के बाद हमारी पोस्टिंग कहां पर होगी, जॉब लोकेशन जोन वाइज होगी। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इसके नोटिफिकेशन में भी, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आई है ना, ये दोस्तों आपकी जोन वाइज निकल के आई है। 7 रीजन है इसमें आपके, जैसे कि एक ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। ईस्टर्न रीजन के अंदर आपको काफी सारे स्टेट्स दिख रहे होंगे, हर एक रीजन के अंदर हर एक पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। वेस्टर्न रीजन के अंदर भी आपको स्टेट्स दिख रही हैं, नॉर्दर्न रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, साउदर्न रीजन, साउथ वेस्ट रीजन। तो इस तरीके से 7 रीजन है, जिस भी रीजन से आप फॉर्म डालोगे उस रीजन के अंदर जो जो भी स्टेट आ रहे हैं उन स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, उन स्टेट्स के अंदर आपकी जॉब लोकेशन होगी। तो भाई एक तरीके से जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों डाउट नंबर 7 के बारे में, एग्जाम सिलेबस की, भैया एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों पोस्ट वाइज इसका कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइनली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि आ रहा है बेस्ट बुक को लेकर, कि भैया बेस्ट बुक के बारे में बताइए, फायरमैन, एमटीएस, ट्रेडमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तैयारी कौन सी बुक से करें, क्योंकि यूनिक वैकेंसी है, हर साल तो वैकेंसी नहीं आती, 24 में नहीं आई थी, 23 में आई थी। तो बुक बताइए कौन सी बुक से हम पढ़े। देखिए दोस्तों, कॉमन वैकेंसी नहीं है, यूनिक वैकेंसी है, तो बुक भी आपको थोड़ी सी यूनिक ही बतानी पड़ेगी। तो मेरी खुद की लाइब्रेरी है, तो अलग अलग पब्लिकेशन की, अलग अलग राइटर की, अलग अलग ऑथर की बुक मैं यहां पर फिलहाल एनालाइज कर रहा हूं। कल का वीडियो स्पेशल बेस्ट बुक के रिगार्डिंग आएगा, स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा इस एग्जाम को क्रैक करने की। तो कल जो वीडियो आ रही है उसमें आपको स्पेशल बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा कि भाई कौन सी बुक से तैयारी करें एओसी एग्जाम के लिए, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया बुक बताऊंगा, बहुत ही छोटी बुक बताऊंगा, जिनसे आप इसके एग्जाम के सिलेबस को बहुत ही जल्दी कवर कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बुक आपको बताने वाला हूं, तो बेस्ट बुक के रिगार्डिंग वीडियो कल आ रहा है, डिटेल से आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स के बारे में जानकारी दूंगा, तो कल के वीडियो का वेट जरूर करिएगा। तो बाकी दोस्तों यही आपके कुछ मेजर डाउट्स बन रहे थे, अगर फिर भी कोई आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अलाव के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। क्लियर है दोस्तों, फॉर्म फिलहाल निकले हुए हैं, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, देरी मत करिए और नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लगे रहिए। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।